आ गए अंकल। ये बच्चे कह रहे थे कि वो कौन से अंकल हैं, बाहर से पूछ रहे थे। अच्छा, कि जो ना आए तो आप सब्जी को ये देती है। आप इतने दिल क्यों लगाते हैं? जो दिल नहीं करते हैं। गाँव गए थे तो नहीं, पिछली गरीब आवाज आ गई। बस सामने कम कर एक टमाटर दे। पूरी बेहतर जिंदगी में बैठे साथ साथ आपसे बहुत दादा देखना साल बिल्कुल 15 साल से लेके लगी बहुत safeguard of the day. किस किस के इसको खाने के बाद मुंह खुश्क हो जाता है। मेरे भाई जब ना यहाँ पे बिल्कुल कोई घर आबाद नहीं तब से ही मुझे सब चीजें। अंकल आपको पता है मेरे भाई क्या कहते हैं कि आप शायद अफरीदी जैसे लगते हैं। जी ये दो तीन बार उसने मुझे बोला है। अच्छा बोला आपको भी? आप लगते हैं बाहर वाले बच्चा भी बोल रहा है। हाँ वही है कि आपके बेटा जी। नहीं नहीं वो भी आएगा। अच्छा वो आपको से भी मिलेगा। वो अमेरिका में नहीं, ओनी भाई ने भी इनको कहा होगा। हाँ उसने भी बोला, उसने भी बोला, छोटे ने बोला। भाई ने कहते हैं किट बना देना खेलने वाली। बस हमारे हमारे यहाँ के इस्लामाबाद के शाहिद अफरीदी हैं। लगते टाइम का कुछ करना पड़ेगा। ये जो लास्ट वाले काम है कि चीज़ है यहाँ ला कर रखना। ये और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गपशप व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे एंड आर इक्वली फाइन। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं और तायाबू प्लॉट स्कीमर्स भी हैं, पार्टनर्स इन क्राइम भी हैं। आपको जाके नीचे तायाबू से आज मिलवाती हूँ। हेलो तायमा। हेलो। मैंने कहा मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि करेले आज मैं इस वजह से बना रही हूँ कि करेले हमारे घर आए हुए थे और मेरे शौहर के एक दोस्त हैं जिनके मुलाजिम से कुछ चीज़ें अच्छी नहीं बनती जिनमें करेले भी हैं, तो ये मैंने सोचा कि आज प्याज़ों वाले बना के उनको भेजे जाए ना। इसलिए मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि इनको मैं पहले धो लेती हूँ, बाद में कभी नहीं धोती, और अमूमन जो इसके अंदर नर्म बीज होते हैं वो भी मैं साथ ही काट देती हूँ। ये मेरे बच्चों के लिए भी बताना है कि मैं अमूमन साथ वो बीज भी काट देती हूँ। नमक भी, नमक भी नहीं लगाती आप? और मैं नमक भी नहीं लगाती, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इतने मज़े के बनते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि मेरे अब्बी कहा करते थे कि अगर करेले कड़वे ना हो तो करेले ही नहीं होते। और जब मैं उनसे गर्मी की शिकायत किया करती थी क्योंकि गर्मी में मेरा बेटा गर्मी ही होगी, इसलिए अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि आज बहुत गर्म दिन है ना। दूसरी बात यह है कि ताइमा इतनी जल्दी काम कर दी, आप यकीन माने 15 मिनट में 10 हांडियां वो। मैं आपको आज ये बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत फास्ट कुक हूँ, बहुत फास्ट। अगर आप मुझे भी कहीं पे अगर फास्ट देखेंगे तो इट्स ताइमा ने मुझे ये सिखाई। चलिए मैं आपको करेले बना के दिखाती हूँ। जिंदगी में सारे आंसू एक तरफ और प्याज काटने वाले आंसू एक तरफ है। आप मुझसे पूछेंगे कि ये मैंने थोड़े से अलग करेले क्यों रखे हैं। ये मैं अमूमन जब दाल चावल के ऊपर ना ऐसे ही कुरकुरे से डाल के खाती हूँ। अब ये मैं इसमें दाल मिक्स करने लगी हूँ। ये रही करेलों की फाइल एंड लुक, और साथ ही साथ ये क्या बन रहा था इमा? चिकन का कीमा। ये आलू डाल के बनाऊंगी ताकि बच्चे खा लें। तो पहले सोचा है मैंने कि कीमा ऐसे ही रहने दिया जाए, लेकिन ये केएनएन का कीमा जो कि मैं बहुत ही कम बनाती हूँ और मेरे पास था भी सब एक ही, इसलिए मेरे पास था भी एक ही, इसलिए सोचा इसके अंदर ये आलू ज़रूर डाल दिए जाए ताकि
ताकि ये पूरा हो सके। अब है ना मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ दूध बहुत अच्छा आता है, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में दही घर जम जाएगा। और आज तो वैसे भी करेले हैं, तो सोचा कि नमकीन लस्सी हो जाएगा, इसलिए ये घर ही जमेगी दही। फिर जब दही जम जाएगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ताई माँ अभी बनाने लगी है चीज़ आलू और प्याज का पराठा, अभी बना के आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन देख लो। मैं भी ये खाने के लिए लाई थी और ताई माँ कहती है ये गुलाब जामुन जो आप लोगों को पता है अभी हुआ क्या है, ताइमा जो है वो चली गई नहाने, तो मैंने सोचा कि ताइमा ने बाकी सब तो कर दिया, मैं जो हूँ वो थोड़ा बहुत ये मदद कर दूँ कि मैं बेल के इसको बना दूँ। और थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन उसे इग्नोर भी किया जा सकता है। अगली बार ताइमा आपको खुद बना के दिखाएंगे इसको। अब हम उतार लेते हैं, वो गाना लगना चाहिए सिम्बा का। गाइस ये बन गए हमारे आलू चीज़ और प्याज के पराठे, और मैंने तीन बनाए हैं, पहले बता दूँ। चुपके चुपके लुकमा खाएंगे, लुकमा खाएंगे, लेकिन बहुत गर्म है। ये करेले प्याजों वाले साथ कीमा आलू है, इसका भी टेस्ट करते हैं पराठे से। ये बहुत मजे का। अब लेते हैं हम पीस करेलों का। आग और लाइट चली गई। मजे का मजा ही मजा, बहुत मजा का है। ऑनेस्टली थोड़ी सी लाइट कम होगी क्योंकि लाइट चली गई है, सबको पता है। कैसे ताबू? बहुत अच्छा ताबू। मैं सबको बता रही थी हम पार्ट टाइम पार्टनर्स इन क्राइम है। हम प्लॉट स्कीम करते हैं और किसी को बताते नहीं हैं। नहीं मैं तुम्हारे राज खोल देता हूँ बाप। नीना ऐसे ना करे ना। ये राज खोले बगैर मामला ठीक नहीं हो सकता। ये आपने पार्टी चेंज कर ली है मुझे लग रहा है। पार्टी ये एक राज है, जरूरी नहीं कि राज को राज रखा है। इधर उधर करने में उसके अपने मजे हैं। जी ताबू ठीक ताबू। इसी के साथ मैं ये भी बताऊं सबको कि ताबू बहुत सोशल हैं, मतलब एक सोशल बटरफ्लाई है। ताबू का रोज़ जो होता है वो राउंड लगता है बाहर का, और हम में से सब में हम सब लोगों में से सबसे ज़्यादा जो सोशल है लाइफ मिस्टर मजरुद्दीन साहब की है। यार जेहो का किसी ने गाना सुना है जो नया आया है? ना अच्छा है। मैं आप सबको बताती चलूं कि मैं बहुत बड़ी के पॉप स्टान हूँ, और यस आई एम एन आर्मी। और अगर पूछा जाए कि मेरा फेवरेट मेंबर कौन है BTS में से, मतलब के पॉप ओवरऑल मुझे सारा ही पसंद है, लेकिन एक फेव बैंड ऑब्वियसली इट्स BTS। सांस चढ़ गया खैर कोई बात नहीं। तो देखो सभी पसंद है, बहुत मुश्किल बात है, हर कोई अपनी जगह पे इतना पसंद है कि मतलब बंदा सोच नहीं सकता। लेकिन अगर अच्छा लगने की बात है तो वी मेरे पास उसके इतने वॉलपेपर सेव है, इतने ज़्यादा सेव है, स्टोरी से स्क्रीनशॉट, पोस्ट से स्क्रीनशॉट, क्योंकि वी के सबको पता है कि डिलीट कर देना पोस्ट की। और जब नया ना इनका काम बना था मुझे फेक है, मतलब फेक होगा मगर फेक नहीं था। आई वाज लाइक ये मेरा मोमेंट है। तो ये बात है, और मैं जेहो का गाना सुन रही थी। क्या यार गजब का गाना है, बस वही सुन रही थी। और बस ये सुन रही थी जेहो मोर
तो जरूर सुने क्यों बंदे को BTS सुनना चाहिए, इट्स प्रॉबली बिकॉज़ ऑफ देयर वर्सेटिलिटी इन देयर सॉन्ग्स, उनकी चॉइसेस, उनकी लिरिक्स। सॉरी, टैबू की गाड़ी आ गई थी और मुझे उनका बताना था क्योंकि मैंने बुक करवा के दी थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अच्छा, वो कमेंट जो था कि आपको लग रहा होगा कि यू नो यू जस्ट बीइंग क्यूरियस अबाउट BTS, लेकिन वहीं से आपको ये समझ जानी चाहिए बात कि आपको अभी से BTS अच्छा लग गया। अब मगर ना इट्स ट्रू, मुझे मतलब उसके बाद हार्ट को फैन, फिर उसके बाद ऑब्वियसली अगर के पॉप इंडस्ट्री को किसी ने पहचान दिलवाई तो इट्स BTS, BTS, JYP हो, ब्लैक पिंक हो, स्पाइस गर्ल्स हो, एक्सो हो, एवरीवन, लाइक कंप्लीटली विद पैकेज और हाई लेवल्स ब्यूटी ग्राइंड्स है। लेकिन हम जरूर करें, मैं मुझे लगता है बहुत ब्लॉग्स आएंगे जिसमें के पॉप बारे करती रहूँगी क्योंकि दीवानी का फॉर्म है और वहाँ जाते सब कहते जब लाखों करोड़ फैंस होते हैं बाकी के पॉप का मतलब फैमिली के और मेरी कजन्स भी हैं जिसमें IZ हैं और मेजी हैं, तो वो भी बहुत हार्ड कोर फैंस हैं और इंशाल्लाह सून मैं जाम करूँगी उनके साथ सब सॉन्ग्स पे। और यस, आज मेजी का बर्थडे जो कि रुजियापा की बेटी हैं, सबसे छोटी, आई थिंक शी इज 13 or 14, और आज उसका बर्थडे है तो हैप्पी हैप्पी एंड हैप्पी बर्थडे मेजी, होप यू हैव द बेस्ट टाइम ऑफ द डे, बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टीनेज ईयर्स। अब हम नीचे जा रहे हैं ताई माँ के पास। ओ, दरवाज़ा खुला हुआ है, आजकल दरवाजे बंद रखने चाहिए। हम आ गए अपनी बालकनी में, ये रही ताई माँ। ताई माँ क्यूट, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि परवरदिगार आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको सेहतमंद रखे और ढेरों खुशियों से नवाजे। इलाही आमीन। और लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें और हमें याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। क्यूट।